घरचे लेडीज होते त्यांनी पाहिलं त्याच्यात घेत तुम्ही इकडून या, तुम्ही इकडून या. हळू हळू थँक्यू थँक्यू ट्रॅक्टर घेऊन बाबा तिकडून पहिले हे करतील नाही गाय काय नाही करत हा ते त्याने सोडलंय ना थोडं नको पाहता पोरू मॅडम फक्त पोझिशन अशी करा तुम्ही तिकडनं कॅमेरा दोस्तों नमस्ते. हम लोग पहुंचे साकरखेड़ा. यहाँ पर साहेबराव जी काठे महाराज है जिनका एक फार्म हाउस है. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भैंस है, गाय है, बैल है और बहुत ही भारी इनका कारोबार है. और ऐसे कृषक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में बड़े ही नामचीन व्यक्ति है हमारे काठे महाराज जी. और उनकी फार्म हाउस पर जब यहाँ इतना बड़ा सांप दिखाई दिया तो सब लोग हड़बड़ी से डर गए थे. जबकि ये धामिंग करके सांप है जो बिन जहरीला होता है, पानी में भी रहता है, पेड़ पर भी रहता है, करता है किसानों की. दोस्तों सर्प मित्र वनिता जो विश्व की प्रथम महिला सर्प रक्षक है, आप लोग देख सकते हैं दोपहर का समय काफ़ी तेज धूप है और धूप की वजह से सांप जो है बड़ा ही एक्साइट हो चुका था, इसलिए इसको इस गाय और बैल के लिए जो पानी का हौद बनाया है उसमें थोड़ा सा ठंडक के लिए छोड़ा गया है. हम लोग देख सकते हैं सर्प मित्र वनिता जो कि बड़ी सहजता से हर एक सांप को पकड़ लेती है, चाहे सांप जहरीला हो, बिन जहरीला हो, कौन सा भी क्यों ना हो. दोस्तों इस सांप को वन विभाग की सहायता से हम जंगल में छोड़ेंगे. हमारे यहाँ सब किसान भाई और बहुत सारे मजदूर लोग हैं, साथ में हमारे तांगड़े डॉक्टर जी हैं जो कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है और बचपन से ही सांपों के प्रति उनका लगाव रहा है. हमारे बाजू में रहते थे मेकर में और हम उनको बचपन से जानते. जरा डॉक्टर साहब सामने आओ, हाथ लगाओ, आपका डर निकल जाना चाहिए. चलो चलो चलो. या मानव सारखे होते, मानव सारखे. ओ दादा आमच्या मानव सारखे होते तेव्हापासून साप पकडतात ते. या पुढे त्यांची बहीण आणि ते करून देतो. तुमची भीती गेली पाहिजे ना, एवढा मोठा साप पकडून जीव जाईल. इंजरी शिवो घुसो का नाश करी. कहते हैं कि थामने जो सांप है ये एक साल के अंदर करीबन 1,00,000 चूहे के ऊपर नियंत्रण लाता है. तो इसलिए दोस्तों किसानों का मित्र बड़ा ही खूबसूरत जिसके गाल के ऊपर 4 खड़ी लाइना होती है काली रंग की और अपने निचले जबड़े से वो जुबान को निकाल रहा है, जुबान को निकाल रहा है. हम लोग देख सकते हैं और वो वातावरण का जायजा लेते हैं. दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है रेड स्नेक टाइस म्यूकोसस और इसका जो फैमिली है वो है कोलुब्रिडी. विश्व का बहुत ही सुंदर और सबसे उपयुक्त सांप है दोस्तों ये सांप. अगर हम लोग इसका रक्षण करते हैं, बचाते हैं तो पर्यावरण की बड़ी ही मदद होती है, सहायता होती है. पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. हॅलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग वनिता बोराडे ऑन युट्यूब ॲट साखरखेडा तहसील सिंदखेड राजा डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा इन महाराष्ट्र स्टेट. नेक्स्ट फ्रेंड वनिता बोराडे रेस्क्यूड हियर द व्हेरी ब्युटिफुल रॅट स्नेक बाय कॉलिंग ऑफ
Dr. Tangade, exciting youth with us from Maharashtra. Snake is the important part for nature and environment, and it's also our national property. So it's our duty to conserve it, because snake is very helpful to human being, and they can't bite us without any critical situations. When we are starting to trouble it, they makes the position for their lives. But any snake can't attack himself to the human life. So please do not kill the snake. Save our snake, save our environment. We will soon release this snake with the collaboration of Forest, PFA and Soil Venture Mentors Foundation. Very healthy, strong, beautiful, harmless snake, which is non-venomous. Ma'am, how much length of this snake now, which shows maximum 9 feet, 8 to 9 feet, it's a very beautiful snake, it makes the scout knots, because when the snake has been on tree, he balancing by knotting the tree, and also catch the birds. When it's in a hole, it eats the rats. When in water, it eats the fish. Every condition, every weather, where and every atmosphere, this is the only one snake which is survive for keeping the biodiversity and environmental balance. This rat snake plays the very important role. So please save our snake, save our environment. By the lack of knowledge and misunderstanding and superstition, many people should kill the snake. Hello friends, when again you will see the snake, please call the nearest snake friend, but don't kill it. They have also the right to live on nature. Very beautiful and very healthy and strong snake. Keep the scientific knowledge and information about the snakes. Came out. Hey, कोणताही मोठा साप आढळला काका त्याच्यावर चादर गोंपाट कोणी झाकण टाकायचं दुरून लक्ष ठेवायचं. साप सोडून कुठलाच चाप. हा साप जेव्हा दिसला होता सुरुवातीला तेव्हा सर्वच खूप घाबरलेले होते. तेव्हा बंटीने आम्हाला फोन केला आणि तेव्हा आम्ही सगळे इथे आलो. इथे आल्यानंतर आम्ही वाकुळ मॅडमला फोन केला त्या लगेच इथे हजर झाल्या. त्यांनी जेव्हा हा साप बघितला तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हा धामन म्हणून त्याची जात आहे. आणि त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने, तुझं नाव काय? मानवनी एकदम इझिली तो साप लवकर काढून घेतला तिथून आणि आम्हाला अवेअर केलं या सगळ्या सिच्युएशनबद्दल.